द डिमेंड फॉर मनी द प्राइस लेवल द रियल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट के स्टूडेंट्स हम एसेट मार्केट की बात कर रहे हैं और उसमें फिर हम मनी मार्किट की बात कर रहे थे सप्लाई ऑफ मनी की बात की और डिमेंड फॉर मनी की बात की सो डिमेंड फॉर मनी से मुराद क्या है दिस इज़ द क्वान्टिटी ऑफ मोनिट्री एसेट पीपल वॉन्ट टू होल्ड इन दर पोर्टफोलियो उस वो अपनी जो उनकी टोटल वेल्थ है उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें से वो इन द फॉर्म ऑफ मनी अपनी कितनी वेल्थ रखना चाह रहे हैं ओके सो दिस विल क्रिएट द डिमेंड फॉर मनी सो मनी डिमेंड डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क एंड लिक्विडिटी हमने फोर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी कि पोर्टफोलियो में कोई भी एसेट है उसकी चार बातें हैं जिनके पेश नजर फैसला किया जाएगा कि उस एसेट को कितना डिमांड किया जाएगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न था रिस्क था और लिक्विडिटी थी और टाइम टू मेचोरिटी थी तो मनी की सूरत में टाइम टू मेचोरिटी उस पर अप्लाई नहीं होती कि वो तो यानी वो तो बॉन्ड्स वगैरह की सूरत में थी कि बॉन्ड्स कितने अरसे बाद आपको कैश मिलेगा तो वो तो आलरेडी कैश में है तो इसलिए बाकी तीन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है कि रिटर्न रिस्क और लिक्विडिटी पर डिपेंड करते ओके सो इन हवाले से लिक्विडिटी के हवाले से मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट ओके और रिटर्न्स के हवाले से मॉनेटरी मनी पर आलवेज आपको बहुत लो रिटर्न्स मिलेंगे ठीक है और पीपल्स मनी होल्डिंग डिसीजन डिपेंड ऑन हाउ मच दे वैल्यू लिक्विडिटी अंगेज द लो रिटर्न ऑन मनी कि वो अपनी वेल्थ को जब मनी के फॉर्म में रखते हैं तो क्या होता क्या है उनको उसका एडवांटेज क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है एडवांटेज ये है कि वो रेडीली अवेलेबल है ठीक है मोस्ट लिक्विड है उसे जब चाहें जिस तरह चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी सी छोटी चीज़ लेने से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तो वो उसको ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं ये उसका एडवांटेज है लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है कि मनी पर यूजली रिटर्न बहुत कम होते हैं कैश पर तो आप जानते हैं कोई रिटर्न ही नहीं आपकी जेब में कैश है तो उस पर तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा ठीक है थीके? अगर आपने वो बैंक में अपना करंट अकाउंट में रखा है तो उस पर आपको थोड़े से रिटर्न मिल जाएंगे तो ये कॉस्ट बेनिफिट एक तरह से एक एनालिसिस है एक ट्रेड ऑफ है कि उसका एडवांटेज है लिक्विडिटी के फॉर्म में कि उसको सहूलत मिल रही है कि वह जब चाहे उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उस सहूलत की वो कीमत क्या अदा कर रहा है कि उसके बदले में उसको रिटर्न फॉर गो करना पड़ रहे हैं तो इस बुनियाद पर वो फैसला करेगा कि वो लिक्विडिटी को कितना प्रेफर करता है उसकी कितनी ज़रूरत है ठीक है और रिटर्न उसके लिए कितनी अहम है इसके बुनियाद पर वो फैसला करेगा कि वो कितनी मनी डिमांड करेगा आज हम बात करेंगे कि ये मनी डिमांड है इस पर डिफरेंट मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स किस तरह से इस पर असरअंदाज होते हैं सो सम की मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स जो मनी डिमांड को अफेक्ट करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन इज़ द प्राइस लेवल इकोनॉमी में ओवरऑल क्या प्राइसिस किस सूरत हाल है रियल इनकम और इसी तरह से तीसरा फैक्टर है वेरिएबल है इंटरेस्ट रेट्स ओके प्राइस लेवल प्राइस लेवल का मनी डिमांड के साथ डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल uh, रिलेशनशिप है द हायर द प्राइस लेवल द मोर मनी विल बी नीडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पजेस ओके सो प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो ज़ाहिर है अगर आप 1980 में अगर फ़र्ज़ करें कि आज की नस्बत 1980 में प्राइसेस टाइम टाइम्स स्लोअर थी आज टेन टाइम्स हायर हैं तो उतनी ही ट्रांज़ेक्शनस के लिए नाइनटीन में जितनी आपको कैश की ज़रूरत थी आज उससे फिर टेन टाइम्स ज़्यादा कैश की ज़रूरत है सो so, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जब डबल होंगी तो आपको उसी ट्रांजैक्शन के लिए आप मनी डिमांड को भी डबल करना पड़ेगा सो देर इज़ द डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप सो नामिनल मनी डिमांड इज़ दस दर्पोर्शन टू द प्राइस प्राइस लेवल जिस रेशो से बढ़ रही है नामिनल मनी डिमांड विल आल्सो इंक्रीज बाय द सेम प्रपोर्शन सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल रियल इनकम रियल इनकम का क्या रोल है मनी हमने किस लिए डिमांड करनी थी ताकि हमारी जो ट्रांजेक्शन हैं उनमें हमें कोई रुकावट ना हो और हम सहूलत के साथ कर सकें तो कोई शख्स कितनी ट्रांजेक्शन करेगा कितना खर्च करेगा कितनी चीज़ें खरीदेगा और कोई इंडिविजुअल है या कोई एक बिज़नेस फॉर्म है तो उसकी ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली उस इंडिविजुअल की इनकम पर डिपेंड करेगी और इसी तरह उस बिज़नेस फॉर्म का जो साइज़ है उसके जो टर्न है उस पर डिपेंड करेगी तो जितनी ज़्यादा इंडिविजुअल की इनकम होगी या एक बिज़नेस का साइज़ होगा उतनी ही उसको ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी होंगी और उसके लिए उतनी ही ज़्यादा उसे कैश की ज़रूरत होगी सो so, इसका भी एक तरह से डायरेक्ट रिलेशनशिप है के इनकम के रियल इनकम के इंक्रीस होने से मनी डिमांड इंक्रीस हो जाएगी सो रियल इनकम इज द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स यू कंडक्ट अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया सो मनी डिमांड राइजेज एज रियल इनकम राइजेज डायरेक्ट मैंने जैसे बताया डायरेक्ट रिलेशनशिप के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड भी बढ़ेगी बट मनी डिमांड इज़ नॉट प्रपोर्शनल टू रियल इनकम हमने जब मनी डिमांड को प्राइस लेवल का असर देखा था मनी डिमांड पर तो हमने कहा था कि डायरेक्ट तो है लेकिन वो प्रपोर्शनल भी है कि अगर प्राइस लेवल डबल होता है तो आपकी मनी डिमांड भी डबल हो जाएगी लेकिन इनकम अगर डबल होती है तो फिर मनी डिमांड बढ़ती तो है लेकिन डबल नहीं होती लेस दैन डबल उसमें इजाफा होता है ठीक है हायर इनकम इंडिविजुअल्स क्यों ऐसा होता है कि इनकम बढ़ गई है तो आपकी मनी डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही तो हायर इनकम इंडिविजुअल्स यूज़ मनी मोर एफिशिएंटली नंबर एक तो इसकी रीज़न ये कि अमीर लोग जो हैं वो हाई इनकम वाले जो लोग हैं वो अपने रिसोर्स को मनी को एज़ कम्पेयर टू पुअर वो ज़्यादा एफिशेंटली यूज़ करते हैं एंड सिंस कंट्रीज़ फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन ग्रोस एज इट्स इनकम राइजेस और दूसरी बात यह है कि जैसे ही कोई इकानमी ग्रो करती है उसकी इनकम बढ़ती है तो वहाँ पर उसकी फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी जिद्दत आ जाती है सोफिस्टिकेशन आ जाती है राइट right? कैश की बजाय प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड्स और ये यूज़ या ट्रांजैक्शन के लिए और ऑनलाइन जैसे ट्रांजैक्शंस हैं तो और ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं जिसके लिए फिर डिमांड फॉर मनी की ज़रूरत नस्बता कम हो जाती है तो इसलिए जिस प्रपोर्शन से इनकम बढ़ रही है डिमांड फॉर मनी उस प्रपोर्शन से नहीं बढ़ती बढ़ती है बट बढ़ उस प्रपोर्शन से नहीं बढ़ती सो so, रिजल्ट इसका क्या है कि मनी डिमांड राइजेस जब इनकम करती है मनी डिमांड राइजेस बट लेस लेसू वन यानी इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है और थर्ड जो फैक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है दैट इज द इंटरेस्ट रेट एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट आर रिटर्न ऑन नॉन मॉनेटरी एसेट डिक्रीज़ द डिमांड फॉर मनी कि एक शख्स की टोटल वेल्थ उसने हमने कहा था कि दो हिस्सों में डिवाइड किया उसने करनी है मनी में और नॉन मॉनिटरी एसेट्स में ठीक है तो नॉन मॉनिट्री एसेट्स में बॉन्ड्स हैं शेयर्स हैं और बाकी चीज़ें तो जब इंटरेस्ट रेट जब रेट ऑफ रिटर्न नॉन मॉनिट्री एसेट पर बढ़ जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अब आपने जो मनी कैश अपने पास रखा है उसकी कैश रखने की एक तरह से यू कैन से द अपॉर्चुनिटी कास्ट बढ़ जाएगी ना आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो यू कैन गेट रिटर्न फ्राम दैट इन्वेस्टमेंट बट जब आप उसे कैश की फॉर्म में रख रहे हैं तो आप उन रिटर्न को फोर गो कर रहे हैं ठीक है उन रिटर्न से महरूम हो रहे हैं तो ज़ाहिर है जब ये महरूमी जब ये इसके अमाउंट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यानी आप बॉन्ड्स ले सकते थे हम सिम्पल ले एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ठीक है बॉन्ड्स ऑफर कर रहे थे टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट और आपने मनी अपने कैश की सूरत में रखा है तो उस पर रिटर्न तो ज़ीरो है या आपने अपने करंट अकाउंट में रखा है तो उस पर इंटरेस्ट वो फाइव परसेंट है तो आप उस लिक्विडिटी को इन्जॉय करने के लिए अब आप क्या कर रहे हैं आप फाइव परसेंट जो इंटरेस्ट रेट है उसकी उसको फॉरगो कर रहे हैं अब अगर बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट टेन से बढ़कर ट्वेल्व परसेंट या फोटीन या फिफ्टीन या ट्वेंटी परसेंट हो जाए तो अब ये कुर्बानी ज़्यादा हो जाएगी ना अब आप, आपको आपके करंट अकाउंट पर मिल रहा है फाइव परसेंट और अगर आप वहाँ से पैसे निकाल के किसी और में रखें तो आपको ट्वेंटी परसेंट मिल रहा है तो आप अब आपके लिए ये यानी फोरगो करना मुश्किल हो जाएगा तो जब भी नॉन माइनेट्री एसेट्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग फिर अपने वेल्थ को मनी के फॉर्म में कम रखेंगे तो नेगेटिव इसका रिलेशनशिप है ओके okay. लेकिन एक दूसरा इंटरेस्ट रेट भी होता है ये तो मैंने वो इंटरेस्ट रेट की बात की जो आप नॉन मॉनेटरी एसेट्स पर मिल रहा है आपका जो मनी है आपका जो करंट अकाउंट है उस पर भी तो बैंक कुछ आपको इंटरेस्ट रेट पे करते हैं ना जैसे मैंने कहा कि फाइव परसेंट उस पर मिलता है तो अगर वो बढ़ जाएगा तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप मनी की डिमांड में इजाफा हो जाएगा यानी नॉन मानीट्री एसेट्स पर इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का इम्पेक्ट ये होगा कि मनी डिमांड कम हो जाएगी और मनी मॉनिट्री एसेट्स पर इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का इम्पैक्ट ये है कि मनी डिमांड इनक्रीज कर जाएगी सो दिस अक्कर पीपल ट्रेड ऑफ लिक्विडिटी फॉर रिटर्न जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि मनी जो है जो आप रखना चाहते हैं डिमांड करते हैं ये बेसिकली एक ट्रेड ऑफ है ठीक है एक तरफ लिक्विडिटी है और एक तरफ रिटर्न हैं आप ज़्यादा लिक्विडिटी को इंजॉय करने के लिए रिटर्न को फॉरगो करना पड़ता है तो ये ये एक ट्रेड ऑफ है ओके सो दर आर मैनी नॉन मैनेटी एसट्स विद मैनी डिफरेंट इंटरेस्टेड बिकॉज दे ऑफन मूव टूगेदर वी अज्यूम डेट फॉर नॉन मानटी एसेट्स देर इज़ जस्ट वन नामिनल इंटरेस्टेड के हमने तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ये कह दिया है कि जी एसट्स बस दो तरह के होते हैं एक को हम मनी कह रहे हैं और दूसरे को नॉन मानटी एसेट कह रहे हैं अब नॉन मानटी एसट्स में तो बहुत सारी वराइटी है और जाहिर है हर उसमें डिफरेंट टाइप पर उसका इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा और इसी तरह से मनी भी जिसे हम कह रहे हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है ना कैश भी मनी है आपका करंट अकाउंट भी मनी है तो इन पर भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होंगे लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो सारे नॉन मॉनिट्री एसेट्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट एक ही है यानी वो एक ही सेंस में हम कह रहे हैं कि वो सब अगर से डिफरेंट है लेकिन वो सब मूव एक ही तरह से करते हैं ना अगर इजाफा होता है तो आलमोस्ट सब में एक ही तरह का इजाफा होता है या कमी होती है तो एक ही तरह की कमी होती है ना तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि नॉन मानेटरी इस्टेट्स का जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम एक कॉमन इंटरेस्ट रेट अज्यूम कर लेते हैं और उसको आई से डिनोट कर रहे हैं और जो मनी पर इंटरेस्ट रेट है उसको भी हम कॉमन अज्यूम कर लेते हैं उसको हम आई एम से डिनोट कर देते हैं ओके थैंक यू